Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. With the hope and prayer that you all are living very well in high spirits, I hereby start my program with the name of Allah. Aaj mere saath mere jo guest maujood hain, wo mere mentor bhi hain, mere ustad bhi hain, aur wo itne senior level ke individual hain ki is waqt तकरीबन 60 से ज़ायद प्रोग्राम करने के बावजूद आज मैं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ हूँ. तो इन द स्टार्ट ऑल द अपोलॉजीज ऑन माय पार्ट इफ आई शिवर समवेयर और आई फंबल समवेयर इट इज ओनली ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल आई हैव ऑन माय प्लेटफॉर्म. आई एम ऑनर्ड एंड आई एम ग्रेटफुल टू हैव नो वन एल्स अदर देन Abdul Wahid Sheikh Saab, who has joined us today. Let's go to Abdul Wahid Sheikh Saab and introduce himself. Main phir bataunga ki inka taaruf kya hai. Assalamu alaikum, Sheikh Saab. Wa alaikum assalam, Shehzad Saab. Thank you very much. Aapne iExplore ne mujhe mauka diya ya invite kiya ki main aapke saath kuch guftugu kar sakun aur baat bhi karunga kis pe. को हम कुछ डिजिटल मीडिया के हवाले से कुछ बात करेंगे. तो थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल. और अब्दुल वहीद शेख जो दोस्त हमें देख रहे हैं वेलकम कहेंगे, जो दोस्त हमें देख रहे हैं उन्हें भी शेख साहब वेलकम कह रहे हैं. बहुत शुक्रिया शेख साहब. शेख साहब का तारुफ यह है कि शेख साहब इज करंटली वर्किंग एज सीईओ ऑफ एफएम वर्ल्ड पाकिस्तान. ही हैज बीन डूइंग ग्रेट जॉब. ही हैज स्पेंड couple of decades in Radio Pakistan. Radio Pakistan ke saath munsalik rahe hain. Radio Pakistan ka jo current status hai usko pahunchane ke andar agar sarfaris koi ek top ranking banayi jayegi to usme Sheikh sahab ka naam bhi hoga. Aur FM 101 ke channel ke jo rooh rawah hain wo bhi Sheikh sahab rahe. Aur mere bahut se usatizah aise hain jo ke shagird rahe hain Sheikh sahab ke. To Sheikh sahab ke saath mujhe bhi mauka mila kaam karne ka and I still recall the golden time where जहाँ पे मुझे डांट भी पड़ती थी, मुझे कहा भी जाता था कि ये चीजें ठीक कर लो, लेकिन ऑल दोस थिंग्स आर पेइंग मी ऑफ टुडे. ऑल द ग्रेटनेस एंड ऑल द एप्रिसिएशन ऑल द वे टू शेख साहब. लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन व्हिच इज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मीडिया इन पाकिस्तान. लेट मी आस्क शेख साहब, सबसे पहले तो आप हमारे वो ऑडियंस जो मेरी तरह आपको बहुत ज्यादा जानते हैं उनको तो आपकी किसी तारुफ की जरूरत नहीं है, लेकिन फॉर्चुनेटली मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि आपकी दुआओं से ये प्रोग्राम पाकिस्तान से बाहर भी देखा जाता है. तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप अपना मुख्तसरन तारुफ बता दीजिए कि आपका बिजनेस प्रोफाइल क्या है, आप पर्सनल कैपेसिटी में आपका तारुफ क्या है और करंटली आजकल आपकी क्या मसरूफियत है. सर देखिए, अगर शहजाद, थैंक यू वेरी मच, आपने कुछ मेंटोर और उस्ताद और उस्तादों के उस्ताद, थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग. बट मेरा तारुफ छोटा सा है, बस यह है कि मैंने एक एमएससी किया था और गोल्ड मेडल लिया था, पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ा था. उसके बाद 1982 में मैंने रेडियो पाकिस्तान को ज्वाइन कर लिया था. ऐसे गया था किसी काम के लिए, मेरा छोटा भाई वहाँ पे इंजीनियर था, उसकी वो जो उसके कमरे की जो कीज थी वो घर रह गई थी, वो देने के लिए उसको गया था. वहाँ एक प्रोड्यूसर साहब थे, उन्होंने चाय पिलाई, उन्होंने कहा क्या करते हैं, साथ ही कोई रिकॉर्डिंग हो रही थी, उन्होंने कहा जरा थोड़ा सा इस सब्जेक्ट के हवाले से जिस पे आपने मास्टर्स एमएससी किया है वो बता दें. वो मैंने बता दिया और उनका यार आप तो कुछ ठीक बोल लेते हैं, पता नहीं मैं बोल लेता हूँ. तो उसके बाद फिर यह है कि उन्होंने फॉर्म सा दिया, मैंने फिल किया, वो चार दिन के बाद एक लेटर आया, मैंने रिटन टेस्ट दे दिया, फिर उसके बाद इंटरव्यू हो गया. जब इंटरव्यू हुआ तो जो डायरेक्टर जनरल थे, बहुत बड़ा नाम सलीम गिलानी साहब, अब भी सोचते हैं अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए, बड़ा नाम बड़ा पैनल था. उन्होंने इंटरव्यू किया, मुझे नहीं पता था सलीम गिलानी साहब, क्योंकि वो लिटरेचर में उनका बहुत बड़ा नाम था ब्रॉडकास्टिंग में. तो मुझे कहा लड़के क्या करोगे आके रेडियो में. मैंने कहा जी मैं जिक्र इत्तेफाक हुआ था आपका रेडियो सुनने का, वो उनको फर्मेंटेशन के बारे में बता रहे थे, तो वो मैंने चूंकि साइंस पढ़ी हुई है तो वो सारा गलत तरीका बता रहे थे, तो कम अज़ कम अगर मुझे आप रख लेंगे तो मैं, आई वॉज नॉट सीरियस कि मैं ये काम करूँगा, तो कि ये यहाँ जॉब करूँगा. तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कम अज़ कम फर्मेंटेशन का तरीका कर तो मैं लोगों को ठीक बता दूंगा. तो बहरहाल वो सिलेक्ट हो गया. फिर उसके बाद मुझे उन्होंने क्वेटा भेज दिया, फिर उसमें दोस्तों में लग गया. घर मेरा यहाँ इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद में एकेडमी से इट्स अ वॉक ऑफ 10 मिनट्स और इट्स अ ड्राइव ऑफ 2 मिनट्स या 3 मिनट्स में मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ. तो गाड़ी पे उन दिनों ट्रेनिंग लेने जाते थे, वो 6 महीने की हमारी बेसिक ट्रेनिंग हुई थी. फिर उन्होंने मुझे क्वेटा भेज दिया. उसके बाद मैं रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद आ गया और प्रोड्यूसर, सीनियर प्रोड्यूसर, मैनेजर, डिप्टी कंट्रोलर, कंट्रोलर, डायरेक्टर, फिर मैं हेड मार्केटिंग भी रहा,
हेड मुझे प्रोग्राम भी इन्होंने कुछ अर्सा कहा कि जी आप ये भी करें। एंड देन मैं क्या करता रहा, हाँ 101 कोई लॉन्च किया 1998 में, और उस टीम में मैंने ज्वाइन किया था 31 दिसंबर 1998 को लाहौर के एल आई की, यानी लाहौर कराची इस्लामाबाद। तो बस ये बच्चा लोग नौजवान जो थे दे वर्क वेरी हार्ड, इन्हीं की वजह से फिर होते होते अब उसके 21 20 21 स्टेशन 101 के हैं। फिर हमने 94 का चैनल लॉन्च किया, फिर हमने 93 का चैनल लॉन्च किया, उसमें भी कुछ कितने सारे स्टेशन हैं। 94 में भी के एल आई है कराची लाहौर इस्लामाबाद, एंड देन फिर सौतुल कुरान चैनल का कभी भी शहादत हासिल हुई कि उसको भी जो टीम लॉन्च कर रही थी उसमें मैं भी कोई 4 कदम पीछे खड़ा हुआ था। तो मीडियम वेव पे बहुत सा काम किया, बहुत सारी ट्रांसमिशंस देखी, करंट अफेयर्स खुदा से के साल किया, वज़राए आज़म और सदर ममलिकत के साथ, और हमारा चूंकि स्टेट रेडियो हुआ करता था और हम लोग साथ वाले कमरे में प्राइम मिनिस्टर के या प्रेसिडेंट के होते थे, और जब जब वो मूव करते थे शहरों में मुल्कों में उनके साथ जाने का, बहुत सारे मुल्कों में जाने का इत्तेफाक हुआ। इसके अलावा आजकल मैं एक FM वर्ल्ड पाकिस्तान के नाम से एक मेरा जाती एक चैनल है कह लीजिए, लेकिन वो उस तरह का चैनल, वो ट्रांसमीटरों वाला चैनल नहीं है, ये और तरह के, आगे जाके बात करेंगे, बस उसको देखता हूँ जो कि, और उसमें वेरी लिमिटेड टीम जिसे कहते हैं, सीखने सिखाने का। देखिए मैंने पिछला आपका एक प्रोग्राम सुना था जस्टिस नासरा इकबाल साहिबा, जो कि हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की बहू हैं, ठीक है, वो कह रही थी कि मुझे ड्यूरिंग जस्टिस जब मैं थी तो मुझे PhD करने का मौका, मैं PhD नहीं कर सकती थी, ऑफिशियली नहीं कर सकती थी, जब आप आजकल तो ये है ना दफ्तर जाते हैं और किताबें लिखते रहते हैं, दफ्तर भी जाते हैं और साथ में PhD भी करते रहते हैं, तो वो ऑफिशियली नहीं कर सकते जब तक इसका इजाजत ना हो, तो उनको पढ़ने का, उन्होंने कहा क्या हुआ, मतलब शीज मतलब उनकी एज माशाल्लाह काफ़ी है, लेकिन वो अभी भी पढ़ने के लिए जाती हैं और अपनी PhD इन पॉलिटिकल साइंस वो कर रही हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि सीखने सिखाने का प्रोसेस रह जाता है। ये जो लोग कह देते हैं ना कि मैं बूढ़ा हो गया अब क्या करना है, वो एंटी एजिंग इसके लिहाज से भी, एंटी एजिंग क्रीमें और एंटी एजिंग, ये मतलब यह है कि आपने, यू हैव टू स्ट्रगल और यू हैव टू लर्न। वो हमारे एक पॉलिटिशियन है, वो भी है तो शेख है, वो कहने बंदे कब्र तक सीखता रहता है, ठीक है, शेख ऋषि साहब की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा तो वैसे कोई रिश्तेदारी नहीं है, ठीक है। तो मेरा कहने का सीरियस नोट पे ये है कि हमें पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला, मैं सुबह 5 4 बजे उठता हूँ, 4 बज के 15 मिनट पे, और रात को 11:50 पे सोता हूँ या 12 बजे सोता हूँ, ठीक है, और दिन में भी का थोड़ा सी आँख इधर उधर लग जाती है, ठीक है। तो लेकिन मैं समझता हूँ अभी भी टाइम कम है, मुझे बहुत सा काम करना होता है, बहुत सा काम करना होता है। अब आप क्वेश्चन कर लीजिए जिस पे करना है, ये मेरा तारुफ यही है, और इसके अलावा मैं बहुत से काम करता हूँ, बिजनेस भी करता हूँ, वो तो हमारे ब्लड में है ना, वी आर शेख, तो हमारे खून में है कि हमने कोई ना कोई बिजनेस करना है, वो शेयर्स का हो, सीमेंट का हो, कुछ फलाने का हो, मतलब जो चीज़ हमें अच्छी लगती है, जो जिसमें बिजनेस में लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो कंस्ट्रक्शन कंपनी है मेरे छोटे भाइयों की, उनके साथ भी कभी कभी हेल्प कर देता हूँ, ब्रॉडकास्टिंग में लोगों को पढ़ाता हूँ, सेमिनार्स वेबिनार्स बहुत सारे पढ़ने पढ़ाने का, उनको एक साथ से इंटरेक्ट करता रहता हूँ, ठीक है। तो इस तरह के काम है, आपने देखा मेरी लाइफ बहुत बिजी है, और मुझे एक यकीन अच्छा दीजिएगा, वेरी लकी इन दिस सेंस शहजाद कि मैंने आपको हाँ किया, आपने भी मुझे जैसे ही रिक्वेस्ट भेजी मैंने कहा इट्स ओके, मैं वही शेख साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस काम के लिए वक्त निकाला, आपका तो शुक्रिया है ही है, लेकिन वहीद शेख मतलब हर इंसान की तरह बहुत सारे जो लोग इस तरह के हैं वो बहुत बिजी होते हैं, तो मैं भी बहुत, और मुझे शौक कभी भी इंटरव्यूज का, अपनी प्रमोशन का, अपनी प्रोजेक्शन का, वो कभी भी नहीं रहा, मैं हमेशा अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करता हूँ, अपने चैनल्स को, देखिए अच्छा 101 इसी तरीके से, और अच्छा चीजें जो है। शेख जी जी प्लीज, शेख साहब, सबसे पहले तो मैं अपनी एक मुश्किल आसान कर दूं। जी सबसे प्लीज, पहली मुश्किल मेरी आसान ये होनी है कि मैं अभी आपको कॉन्फेस कर रहा हूं कि मैं आपका स्टूडेंट हूं, लेकिन इस पॉइंट से ऑनवर्ड मैं नुमाइंदा हूं अपनी ऑडियंस का। तो मैंने आपके पहले जवाब के अंदर आपको इंटरप्ट नहीं किया, लेकिन मैं अब जसारत करूंगा, आपने बुरा नहीं मानना है, तो मैं एट टाइम्स आपको बीच में टोकूंगा भी, मैं आपको रिबटल भी करूंगा, क्योंकि मैं एम्बेसडर हूं ऑडियंस का, ये मेरी अपनी आवाज नहीं है। तो मैं इन नो एडवांस आपको ये बता रहा हूँ। नंबर 1,
नंबर टू ये सर कि आपने अपना तारुफ बताया, तो आपकी खूबसूरती ये है कि आप मुश्किल से मुश्किल चीज़ को भी बड़ा आसान करके बता देते हैं। तो यू आर सेइंग दैट सिंपल कि आप गए एक दफ़ा चाबियां देने गए थे, चाय पीने लगे तो साथ ही प्रोग्राम हो रहा था, फिर आपने वहाँ पे गोल्ड मेडल को आपने टच अपॉन किया, यू यू केप्ट फॉरवर्ड, देन यू टोल्ड अस कि आप एकेडमी जाते थे, वे देयर फ्रॉम देयर यू वेंट टू क्वेटा, देन कमिंग बैक टू सीनियर प्रोड्यूसर डायरेक्टर हेड, एंड देन द चैनल्स यू लॉन्च्ड 101, 93, 94, सूरतुल कुरान, देन द करंट अफेयर्स प्रोग्राम, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, एंड देन करंटली एफएम वर्ल्ड पाकिस्तान। ऑल दीस थिंग्स शेख साहब, दिस डिमांड्स विजडम, दिस डिमांड्स डेडिकेशन, एंड दिस डिमांड्स द अर्ज टू मूव फॉरवर्ड। मुझे ये बताइए कि जब हम अर्ज टू मूव फॉरवर्ड की बात करते हैं, तो हम पाकिस्तान के मीडिया के अंदर ये अर्ज कहाँ तक देखते हैं? एंड बिफोर यू आंसर दिस थिंग, यू टेल माई ऑडियंस के मीडिया की कितनी टाइप्स हैं पाकिस्तान के अंदर। इज इट ओनली प्रिंट मीडिया? इज इट ओनली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया? एंड नाउ वी आर हेयरिंग दिस सम डिजिटल मीडिया। यू मे डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑल दीज मीडिया टाइप्स सर? देखिए शहजाद, जो तो गूगल पे इसकी डेफिनेशन है ना, इसकी डिजिटल मीडिया की, वो मतलब रेडिएबल मशीन्स का इंट्रोडक्शन हो जाना, तो वो इसमें वो तो इस तरह की कोई बात करते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पहले दौर में ट्रेडिशनल मीडिया क्या था? रेडियो, टीवी, अखबार, फिल्म, थिएटर, ये चार पाँच छः सात, ठीक है। फिर क्या हुआ? नया दौर आया, नया जमाना आया, क्या आ गया? फेसबुक आ गया, व्हाट्सएप आ गया, मैसेंजर आ गया, यूट्यूब आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, ट्विटर आ गया। ये सोशल मीडिया इस तरह के, और ये ट्रेडिशनल जो पुराने जमाने का था, ये हो गया ऐसे, देखे ये हो गए मर्च, ये मर्च हो गए। फिर इन्होंने वो जो वो जामन वाला करता है ना, डक 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 करता है, तो उसमें थोड़ा सा काली नमक भी डाल देता है, ये हो गया ऐसे ऐसे। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? अब ना ट्रेडिशनल मीडिया वो मीडिया रहा है, ना डिजिटल मीडिया वो मीडिया या सोशल मीडिया, ये सारे आपस में गुटबुट हो गए हैं। और ये फायदा ही हुआ है, ठीक है, इसका नुकसान कुछ नहीं हुआ, लेकिन अपनी आईडी दोनों दोनों ने खो दी है। अब रेडियो सुना भी जाता है, रेडियो देखा भी जाता है, रेडियो पढ़ा भी जाता है। कैसे? रेडियो की वेबसाइट है, वो उसे पढ़ते हैं, खबरें धड़ाधड़ आ रही हैं, ठीक है, आप खबरें, आप कायरीन भी हो गए हैं, अब वो साथ में वीडियो भी दे रहा है, अब उसके वीडियो, वो क्या कहते हैं उसको, देखने नाजरीन भी हो गए हैं आपके, आप रेडियो को सुन भी रहे हैं साथ साथ में, ठीक है, तो आप उसके सामेईन भी हो गए हैं। तो तीनों, ये 3D, वो वाला 3D नहीं है, लेकिन ये तीनों चीजें जो है वो कर रहा है। उसमें इफ इट आपने इज अ हमारा कॉम्बिनेशन, इफ इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स, वेयर डू वी स्टैंड इन टर्म्स ऑफ प्रिंट मीडिया? मैं देख रहा था कि अखबार में देर आर सम अराउंड 300+ प्राइवेट न्यूज़पेपर्स विच आर बीइंग पब्लिश्ड, और तकरीबन 10 मिलियन कॉपीज रोज के रोज प्रिंट होके निकलती थी प्री कोविड एरिया के अंदर। और फ्रीडम ऑफ प्रेस के हवाले से आप अगर बात करते हैं, तो पाकिस्तान इज रेटेड एज 139th कंट्री आउट ऑफ 180 कंट्रीज। आप मुझे ये बताइए कि फ्रीडम ऑफ प्रेस कहाँ पे स्टैंड करती है, और प्रिंट मीडिया का क्या स्कोप है? पहले तो इसको क्लोज कर लेते हैं। इसमें बात यह है कि जो प्रिंट मीडिया है उसकी अहमियत अफादियत अपनी ही जगह पे है, लेकिन मजा तो ये होता था ना अभी भी कि अखबार को ऐसे करके पढ़े, और ये इधर चाय का कप और सिप लिया और अखबार, इधर हमारे अखबार जरा कमजोर कमजोर से आते हैं, पॉवर्टी एलिवेशन की तरह की, वो क्या होता है जो कमजोर कमजोर से 8-10-12 पेज। बाहर के मुल्कों में, मुझे तो बहुत से मुल्कों में जाने की इतफा, अमेरिका में रहने का भी, तो अखबार आता था डोज करके आवाज आती थी, अगर वो थ्रो होता था, बस तो थ्रो तो होता नहीं है वो, उसमें न्यूज़पेपर उसमें उसको पढ़ते हैं, तो इतना अखबार होता है वो, ठीक है, तो उसकी अहमियत अफाजियत आप खत्म नहीं कर सकते। लेकिन एवरीथिंग, अब मैं सुबह 3 अखबार पढ़ चुका हूँ इसी मोबाइल पे, ये जो मोबाइल है इस पे हमने 3 अखबार में, 2 या 3 अखबार, फिर मैं एक्सप्रेस भी देख लेता हूँ, द न्यूज़ भी देख लेता हूँ, जंग भी देख लेता हूँ। आजकल प्री कोविड-19 मैंने सबसे पहला काम ये किया था कि अपने न्यूज़ पेपर वाला होकर जो था वो टोटा गाड़ी पे आता है वो देने के लिए अखबार, ठीक है, मोटरसाइकिल पे भी नहीं, तो वो आया आया तो गाड़ी उसने ऐसे करके की, और उसने अखबार मुझे, मैं वॉक कर रहा था तो मुझे उसने अखबार दिया। मैंने कहा दोस्त बात यह है कि अब अखबार कुछ दिन रेस्ट, कहने लगा क्या चक्कर है? मैं कहा यही चक्कर है जो अभी आपने मुझे पकड़ाया, आपने पता नहीं वो लाना सा पता कितने हाथों से लग के आया होगा, तो वी शुड टेक ब्रेक। तो अखबार मैंने ब्रेक ले लिया, लेकिन अगले दिन मेरा जिस्म टूट रहा था,
इट्स एडिक्शन ना, पॉजिटिव एडिक्शन है कि मेरा जिस्म टूट रहा था, क्योंकि मैं कॉफ चाय के साथ वो अखबार को ऐसे भी देखता था, लेकिन इधर से मैं उसके आने से पहले मैं दो एक दो हेडलाइंस ये वो पढ़ लेता था। तो अखबार की अहमियत और फायदे खत्म नहीं हो सकती, और द न्यूज़ इंटरनेशनल एंड जंग, नए वक्त और एक्सप्रेस और भी अखबार आते हैं, मैं सबके नाम तो इन उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। जर्नलिस्ट जो प्रिंट मीडिया के जर्नलिस्ट, उनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन अब उधर भी मेयार वो नहीं रहा जो कि होना चाहिए था। मैं साले जाफर के, हनी खान, हनीफ खान, खालिद हनीफ के दौर की बात करता हूँ, मैं ज़हार भट्टी साहब के दौर की बात करता हूँ, मैं फारूक साहब के दौर की बात करता हूँ, मैं फलां साहब, तो वो पुराने सहाफ़ी जो थे बड़े कमिटेड थे, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी उनकी बड़ी टेक केयर करती थी, इवन हम तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले थे, उनको फाइनेंशियल एड भी मिल जाती थी किसी ना किसी तरीके से, और उनको उनकी खदमात के मद्देनजर रहते हुए कुछ प्लॉट भी मिल जाता था, कुछ लोन भी मिल जाता था, दे हैव टू पे बैंक, तो मतलब वो फैसिलिटेट भी होते थे और काम भी बड़ा सोफिस्टिकेटेड और स्ट्रिंग और शेख साहब, बड़ा। मुझे ये बताइए कि आपने डिजिटल मीडिया की जो जामुन की तरह मिक्सचर बनाया और उसको कहा कि एवोल्यूशन की इस प्रोसेस में है, जहाँ पे कन्वेंशनल मीडिया और डिजिटल मीडिया जो मर्ज हो चुके हैं, मर्ज होके ये जो जेलिंग इन हुई है, ब्लेंड होके एक नई शक्ल निकल रही है, ये तो आपने बता दिया इंपॉर्टेंस भी और उसका एवोल्यूशन प्रोसेस भी। मुझे ये बताइए कि इसका फ्यूचर क्या है, वेयर डू यू सी द सीनियर पीपल लाइक यू, आप आज से 3 साल बाद मीडिया की क्या शक्ल देखते हैं, उसको जरा एक फ्यूचर आउटलुक हमारी ऑडियंस को बताइए। देखिए शहजाद, हमें अपने बैरियर्स को तोड़ना होगा कि हमारे दौर में ये होता था, हमारे दौर में ये होता था। यार अगर मैं रिटायर भी हो गया हुआ हूँ तो, बट मैं बहुत अच्छे तरीके से तमाम सोशल मीडिया जो टूल्स हैं वो इस्तेमाल करता हूँ, और उससे बिजनेस भी करता हूँ, इनकम भी करता हूँ, जॉब भी करता हूँ उसी पे, ठीक है। तो जो हमारे दोस्त जो अब थोड़ा सा सीनियर सिटीजन हो गए हैं, मेरे ब्रिगेडियर एक दोस्त हैं, क्रिकेट के कमेंटेटर हैं, ही इज 85, ठीक है। वो सबसे पहले मुझे पता नहीं क्या क्या चीज़ें भेज रही होती हैं, बड़ी पॉजिटिव, बड़ी कंस्ट्रक्टिव, बड़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेटिव। तो मैं ये फ्यूचर इसका ये देख रहा हूँ कि आने वाले दिनों में आज का बच्चा जो है ना वो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसका पॉजिटिव यूज होना चाहिए। मतलब जो हम लोग फेक न्यूज इधर की, व्हाट्सएप की, या ऐसे ही है कि मियाँ वाली के या बकर के किसी घर का वो माई काम करती वाली, वो उठाया तो कूड़ा इधर फेंक दिया, उसने उठाया तो कूड़ा इधर फेंक दिया, तो वो ये ट्रैश वाला ही बात है कि व्हेन यू आर गोइंग टू फॉरवर्ड एनीथिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दैट कि ये आपका रोल आपके नाम से आप फॉरवर्ड कर रहे हैं, मैं शहजाद को ये चीज़ फॉरवर्ड कर रहा हूँ, उसको व्हाट्सएप कर रहा हूँ, या उनको ईमेल कर रहा हूँ, या मैं उनको किसी और तरीके से शेयर कर रहा हूँ, तो लुक एट दैट कि ये जो कंटेंट मैं उनको भेज रहा हूँ ये है भी है, ठीक है कि नहीं। अब कल से कोई एक मौलाना साहब ने कोई एक बात की हुई है किसी एक जस्टिस के बारे में, सॉरी टू से मैं कहने में, तो वो इतनी कमर तो वो मुझे आ चुकी है, हर बंदा भेज रहा है, हर बंदा भेज रहा है, हर बंदा भेज रहा हो, यार मैंने आपसे, हो सकता है आपसे पहले पढ़ लिया हो, तो प्लीज हमें इस तरह का इसके बारे में थोड़ा सा खुद को खुद अकाउंटेबल होना चाहिए ना, हमें खुद देखना चाहिए कि हम किसी किसी जस्टिस के बारे में बात कर रहे हैं, किसी एजुकेटर्स के बारे में बात कर रहे हैं, किसी पॉलिटिशियन के बारे में बात कर रहे हैं, ये है। सर, बात यह है कि माजरत के साथ, आप तो बड़े अच्छे और शाइस्ता अंदाज से ये पैगाम दे रहे हैं, जो थियोरेटिकली बहुत अच्छा लगता है, किताबों में पढ़ा जाए तो बहुत अच्छा नजर आता है कि ऑथेंटिक न्यूज़ देनी चाहिए, पॉजिटिव न्यूज़ देनी चाहिए, और भक्कर की मुलाजमा का जिक्र नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं इतने प्रोग्राम्स कर चुका हूँ इन दिनों के अंदर, मुझे कोई एक शख्स भी भाई साहब ऐसा नहीं मिला जिसने मीडिया के करंट पेंडेमिक के दौरान जो किरदार साजी रही है इसकी, उसके हवाले से कोई पॉजिटिव बात की हो। एवरीबॉडी, आप यकीन करेंगे, एवरी गेस्ट हैज टोल्ड अस के शट डाउन द मीडिया, मीडिया को मत देखें, आप कोरोना की वजह से और ज्यादा डिस्टर्ब होंगे। मुझे ये बताइए कि मीडिया ने कौन सा मस्बत रोल प्ले किया है इस पेंडेमिक के थ्रू के दौरान, और आप क्या समझते हैं कि अगर वो रोल सही तरह से अदा नहीं कर पाए खुदा ना खास्ता, तो अब गोइंग फॉरवर्ड शेख साहब की एडवाइस क्या है कि मीडिया को कैसे बिहेव करना चाहिए? देखिए शहजाद साहब, बात यह है कि आज इसी वीक में एक वेबिनार में मुझे एक एज ए पार्टिसिपेंट मैं भी था, उसमें कुछ एजुकेटर्स भी थे, कुछ स्कॉलर्स भी थे, और उसमें यही था कि कोविड-19 और मीडिया रोल, मीडिया का रोल जो इसके सिलसिले में, तो
तो मैं आपकी इस बात से डिसएग्री करता हूँ जो भी आपने एक बात की है ना, ठीक है। ये इसको मैं, हेलो, मेरी बात, आप, मेरी आवाज आ रही है अब तक? जी, मैं आवाज कुछ आ रही है। पूछना था। जी 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 प्लीज। तो वो उसमें ये है कि मैं थोड़ा सा इख्तलाफ राय रखने का, थोड़ा सा मुझे इजाजत दीजिए कि 60% मीडिया ने बहुत अच्छा रोल अदा किया है, 40% थोड़ा सा नेगेटिव हो गया है। मतलब जियो ने अगर एक काउंटर लगा दिया, एक कैलकुलेटर लगा दिया, इतने बंदे मर गए, इतने बंदे मर गए, इतने बंदे मर गए, इतने बंदे मर गए, ठीक है, वो हर वक्त मर गए मर गए मर गए मर गए मर गए, वो एक नेगेटिव भी था भाई। उन्होंने आपको इंफॉर्मेशन तो देनी है कि वाकई 147 आदमी कल अगर फौत हो गए हैं तो दिस इज ए न्यूज, ठीक है। और साथ में वो ये कह रहे हैं कि आप हाथ भी धो लीजिए, मास्क भी लगा लीजिए और ऐसे बाहर मत जाइए। उन्होंने रोल ऑफ मीडिया में रेडियो भी आता है, और रेडियो टॉप ऑफ दी आवर आपको न्यूज देता है बड़े आराम से, पैनिक नहीं फैलाता। थोड़ा सा मसला ये है कि पैनिक फैला दिया, ऐसी डेड बॉडीज उठा। मतलब आज एक टीवी चैनल दिखा रहा था कि उर्दन में ये जो एक बंदे को कोरोना हो गया, और वो कोरोना, वो अपनी गाड़ी में ट्रेवल कर रहा था, वहीं पे उसकी डेथ हो गई, और उन्होंने गाड़ी समेत उसको कब्र में दफना दिया, और इसको इसको हाईलाइटेड किया गया। मैं समझता हूँ जो कंटेंट पे पीछे डायरेक्टर बैठे हुए हैं उनको देखना चाहिए कि कंटेंट कौन सा ऑन एयर जाना चाहिए। फ्रस्ट्रेशन। दूसरा पता है क्या बात है, इस वक्त आपने टेलको में भी रहे हैं, आप ट्रेनर भी हैं, बेशुमार लोग जो हैं जॉबलेस हैं, हो रहे हैं वर्क एट होम का। हम पहले तो जेरी तौर पे हम तैयार नहीं थे, मेरे घर में दो इस वक्त वर्क दो मैनेजर्स जो हैं वर्क एट होम कर रहे हैं, ठीक है। एक तो आपके वो टेलीनॉर में थे ना, कि शी इज ऑल्सो मैनेजर, तो वो मतलब सारा दिन, अच्छा उसके बाद कभी उधर किया, वहाँ फ्रूट बास्केट से कुछ केला खा लिया, सेब खा लिया, फिर उसके बाद आ गए। अब उन्होंने ड्राइव करके खुद मजे से जाना होता था, ऑफिस जाना था, आना था, वर्क एट होम का अब वो बात नहीं है। दूसरे साहब जाते हैं, वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे, तो उनका दिल नहीं लग रहा, तो वर्क एट होम का एक्सपीरियंस नहीं था। फिर टीचर्स जो हैं, मैं एक खास तौर पर बात करूंगा कि ई स्कूलिंग की बात हो रही थी, तो अभी टीचर्स इतने ट्रेंड नहीं थे पहले से, इतने तैयार नहीं थे, ब्रॉडकास्टर्स इतने तैयार नहीं थे। मैं इस वक्त घर से बैठ के काम कर रहा हूँ ना, ये नहीं कि मैं आज कर रहा हूँ, मैं इस वक्त ऑन ईयर हूँ, मैं बेशुमार रिपोर्ट्स घर से बैठ के दिए हैं, बेशुमार पहले से तैयार होता था मेरे गैजेट्स। इस वक्त भी मेरा ये टैब है, मेरा मोबाइल है, ये दूसरा मोबाइल है, मेरा स्टैंड है, और बहुत सारी गैजेट्स मेरे इर्द गिर्द हैं, मुझे शौक है, ठीक है। तो मतलब वर्क एट होम का भी, तो कहने का मकसद यह है कि मीडिया का रोल इतना नेगेटिव नहीं था, लेकिन किसी हद तक था भी। अब आपको बात यह सोचना, है, बात यह वही साहब, आपने बड़ी खूबसूरती से इसको डिफेंड किया है क्योंकि आप इस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, और फिर आपने अपने घर की रूटीन भी बताई है, जो कि मैं समझता हूँ कि ये 60% और 40% का जो फर्क आप बता रहे हैं, ये प्रॉब्ली वो 40% है जो ज्यादा लोग देखते हैं। मैं इसी चीज को आगे बढ़ाता हूँ, आपकी बात को मैं आर्गुमेंट के अंदर लेके जाने की जसारत नहीं कर सकता हूँ। मुझे ये बताइए कि मीडिया मीडिया में जहाँ इतनी पॉजिटिव बातें आप बता रहे हैं, मैं आज की रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ, और वो फॉर्चुनेटली आपके उस ग्रुप से ही मेरे पास आई, कि मीडिया के अंदर ही रेडियो पाकिस्तान में अभी करंट एक स्कैम सामने आया है, जहाँ पे तकरीबन 10 करोड़ रुपए का जो है वो नुकसान। दैट दैट इज अ फेक स्टोरी। यही तो मैं कह रहा हूं कि वो फेक स्टोरी है, वो फेक स्टोरी जो है मुख्तलिफ अखबारात से। अच्छा, मजे वाली एक बात यह है, अखबार वो है जिसने लगाया हुआ है कि पीटीआई के सोशल मीडिया के हेड फलां साहब जो हैं रिश्ता एजवाज में मुंसलिक, वो क्या होता है, वो हो गए, और नीचे लिखा था चूंकि वो शिफा इंटरनेशनल में 5 दिन से दाखिल थे तो, और उनकी इंतकाल हो गया कोरोना की वजह से। स्टोरी ऊपर लिखा है कि शादी हो गई है, नीचे लिखा हुआ है क्या, और अखबार का वो, तो इस तरह ये जो इस तरह का अखबार आ गया ना, मैंने आपको बताया ना, द लीडिंग 5 न्यू, मतलब देखे डॉन, बहुत बड़ा नाम, द न्यूज इंटरनेशनल, या और वो अखबार ट्रिब्यून एक्सप्रेस वगैरह, ये या उर्दू के भी देख लें, जंग देख लें, ये वो इतनी बड़ी ब्लंडर नहीं मारेंगे। तो ये मे बी हो जाता है। आप सवाल क्या करना चाहते थे कि ये मतलब ये ऑर्गेनाइजेशंस में कपले होते हैं कि वो पेंशन खा गया कोई लड़का है ना। ना ना ना, मैं अगर आप इस खबर को फेक भी कंसिडर कर लेते ना शेख साहब,
चले मैं अपनी जुबान में नहीं बोलता हूँ, इन द मीन टाइम हमारे एक साहब हैं, बहुत से लोग हमें ज्वाइन कर चुके हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर आप मुझे इजाजत दें मैं उनकी हौसला अफजाई कर लिए उनका नाम भी ले लूंगा। हमें हसीब अहमद नूर साहब देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया हसीब। सुहेल अंजुम साहब दे हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, रेहान खालिक साहब हमारे साथ हैं, मालिक एहशाम साहब इज वॉचिंग द प्रोग्राम, मोहम्मद उस्मान गुलजारी साहब इज वॉचिंग, शेख साहब, वकार अफजल साहब हैं, और इसके अलावा रिजवान अशरफ साहब हैं, साजिदा वजाहत साहब हैं, आसिम इरशाद साहब आपको देख रहे हैं, इमरान नबी साहब जो हैं वो आपके बड़े फैन हैं, और बील कियानी साहब हमारे साथ हैं, आजे जिया राजपूत साहिब हमें देख रही हैं सुन रही हैं, मुरीद बुखारी साहब मेरे उसाज़ा में से हैं वो मेरे साथ हैं, और सलमान हैदर साहब भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। मेरा अगला सवाल शेख साहब आपसे ये है कि हमारे एक आपके एक चाहने वाले हैं, वो कहते हैं रिजवान अशरफ साहब, रिजवान अशरफ साहब का सवाल है आपसे कि ऑन सोशल मीडिया देर आर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज अवेलेबल बट इट इज नॉट ऑथेंटिक, जो बात अभी आप भी कर रहे थे कुछ देर पहले। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे शेख साहब कि एक आम इंसान जो है, मेरी तरह का एक आम आदमी है, उसको थोड़ा सा टाइम है, वो ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करने का टाइम नहीं है उसके पास, तो कॉमन पीपल आर स्टिल कंफ्यूज्ड व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू शेयर, कौन सी चीज मैंने पढ़ के उसको मेंटल ट्रैश कैन के अंदर डाल देना है, और कौन सी चीज को मैंने इस मेंटल फ्रेम में से पास ऑन करके आगे लेके जाना है, ये ऑथेंटिसिटी का जो फिल्टर है ये कहाँ से मैं लेके आऊंगा शेख साहब? ये बाजार से तो मिलेगा नहीं, ये तो ट्रेनिंग होती है आपकी सारे दिन, मतलब उम्र की आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग है कि आपके पेरेंट्स ने क्या ट्रेनिंग की है, किस इंस्टीट्यूशन में आपने पढ़ा है और कहाँ आप जॉब कर रहे हैं, आपका हल का अहबाब क्या है। ठीक है, तो मतलब ये मैं पता नहीं कितनी बातें सुनता हूँ देखता हूँ, ये है कुछ मैं इस मेंटल नोट्स ले लेता हूँ फॉर डिस्कशन। ठीक है, आगे मतलब नॉलेज को वेंट करना चाहिए, इट इज नॉलेज, अगर वो नॉलेज है तो उसको वेंट करना चाहिए वरना सफोकेशन हो जाएगी। ठीक है, अगले तक पहुंचाएं, लेकिन अगर वो फेक चीज है तो आप थोड़ा सा समझ बूझ रखें यार कि गंदे यार। ठीक है, छह छह टांगों वाला बकरा बकर में देखा गया फलानी जगह, यार इट्स वो दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर है भी है, कभी तो पाक से कोई ऐसी जन्म हो भी जाता है तो उसको इतना हाईलाइट करने की क्या जरूरत है, वो खत्म कर दे उसको, वो आगे चले पॉजिटिव। आप पहले सबसे पहले तो देखें कि आपने ऐप्स का दौर है। ठीक है, आपने कौन सी ऐप्स डाउनलोड की हुई है, इतनी ऐप्स हैं, ठीक है, बेशुमार ऐप्स हैं, क्योंकि मैं तो आपको पता है मेरा तो लोगों का मिशन ये है कि फ्यूचर इज ऑन द ऐप्स। आप एंड्रॉयड यूज कर रहे हैं या आप आईफोन यूज कर रहे हैं, आप कौन सी ऐप्स आपने डाउनलोड की हुई हैं, फिर इतना ज्यादा काम है, आपने ईमेल्स देखनी होती हैं, आपने सोशल मीडिया चेक, कई दोस्त हमारे तो गाने शाने में ये वो फला फला उसमें वो कर रहे होते हैं, अच्छा वो भेज भी देते हैं आगे, फिर इनडिसेंट चीजें भी बहुत ज्यादा फॉरवर्ड करते हैं। और खुदा के लिए ये डाटा मैंने अपनी आंखों से सिलिकॉन वैली इन कैलिफोर्निया एंड सिलिकॉन वैली इन मद्रास, ये जो चेन्नई जो इंडिया में इंडियंस बहुत आगे हैं, आपको आपके इल्म में है, ये इंडियंस बहुत इस सिलसिले में आगे हैं, थोड़ी सी तारीफ अच्छा, अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं या अगर को किसी चीज़ में वो आगे चले गए हैं तो हमें अप्रिशिएट ना करें, चलो इंफॉर्मेशन दे दें कि मुझे चेन्नई में सिलिकॉन वैली को देखने का इतफाक हुआ, फिर सैन फ्रांसिस्को में कैलिफोर्निया में मुझे सिलिकॉन वैली इंडियंस काम कर रहे हैं, वो बेशुमार ऐप्स बना रहे हैं, बेशुमार ऐप्स उन्होंने बनाई हैं, बेशुमार डाटा, ये जो ट्रांसफर, ये जो डिजिटल ब्रॉडकास्ट पे हम बात कर रहे हैं, ये डिजिटल की मीडिया पे बात कर रहे हैं, इससे क्या किया है? इतनी बड़ी चीज को, रेडियो पाकिस्तान का एक सेंट्रल प्रोडक्शन यूनिट है जिसमें लाखों मिनट तो मैंने कंट्रीब्यूशन दी हुई है, लाखों मिनट्स की रिकॉर्डिंग्स मैंने वहां पे आर्काइव की हुई है। ठीक है, वो इतनी ज्यादा जगह घेरते थे ना तो उन्होंने उसको कंप्रेस किया और इतना जगह, अभी जो आपने मुझे लिंक छोटा सा लिंक भेज दिया मैं क्लिक करूंगा इतना खुल जाएगा, ये है डिजिटल, मतलब चीजों को उन्होंने आसान कर दिया है, इजी कर दिया है। ठीक है, लेकिन अब नहीं, ये मुझे ये एक्सक्यूज बताइए मी, शेख साहब, छोटी चीज को बड़ा करके आसान कर दिया है और इजी कर दिया है, ये तो एक रुख है देखने का। मैं ये पढ़ रहा जी था कि 2002 के अंदर सिर्फ 3 स्टेट ओन चैनल होते थे, यही 2002 के 3 स्टेट ओन चैनल 2012 में 89 चैनल बन चुके थे पाकिस्तान के अंदर। आप इसको फ्रीडम ऑफ प्रेस का नाम दे दें या छोटी सी चीज में आसानी को कन्वर्ट करने का नाम दे दें, क्या ये इंफॉर्मेशन का बम्बार्टमेंट नहीं है? अननेसेसरी इंफॉर्मेशन का फ्लो बहुत ज्यादा नहीं है वन वे?
मैं ये कह रहा हूं कि एक ही न्यूज को अगर 89 चैनल मल्टीपल टाइम्स बता रहे हैं तो कोई असूल तो होना चाहिए, जहां पे आप मीडिया के लोग जो हैं, हु हैज गिवन देम द अथॉरिटी टू बिहेव लाइक जुडिशरी। आप आजकल हमारे ऐसे प्रोग्राम देखें जहां पे एंकर पर्सन जाके बाजार में ऐसे अकाउंटेबल ठहराता है व्यूअर को या उस इंटरव्यू देने वाले को जैसे वो कोई जज का रुतबा रखता है। मुझे ये बताइए कि इसके ऊपर कोई बंदिश होनी चाहिए, मीडिया का कोई एक लगाम होनी चाहिए, ये बेलगाम है या इसके ऊपर कोई प्रोसेस चल रहा है पैमरा की तरफ से? इसमें जो पैमरा का जो किरदार है वो बहुत अहम है। लिमिटेशंस होनी चाहिए और पैमरा कर भी रहा है काफी हद तक, लेकिन यह है कि हमारा मीडिया, पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, हुकूमतें, पैसा, लैंडलॉर्ड्स, सरमायादार, वो सारे मर्ज हो गए ना, ये भी ऐसे ही हो गया है। इंटरनेशनली भी है वैसे तो, लेकिन वहां चले कोई एक आध। मेरा कहने का मकसद है कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंसटन, एक मतलब समझ लिया कि न्यूयॉर्क के करीब एक प्रिंसटन एक जगह है, वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, एक तो यहाँ पर स्थान है ना यूनिवर्सिटी, एक वहाँ पे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी है, तो वो उस यूनिवर्सिटी में था। मैं कुछ पढ़ रहा था वहाँ पर, कुछ एडमिशन लिया हुआ था, तो हमारा जो रेडियो था उसकी आवाज़ यूनिवर्सिटी के कैंपस से बाहर चली गई 5 किलोमीटर। $10,000 जो है फाइन हुआ था एडमिनिस्ट्रेशन को कि आपकी आवाज़ बाहर क्यों गई है। इट्स अ कैंपस रेडियो, इसके ट्रांसमीटर 0.2 वाट वो यूज होता है, वो है, तो इसकी आवाज बाहर क्यों गई है। सिमिलरली जब पैमरा यहाँ पे लाइसेंस देता है कि आप एंटरटेनमेंट रेडियो हैं या आप एंटरटेनमेंट चैनल हैं, आप न्यूज क्यों, एक खबर और खबर के में फिर ये है कि आपकी बात किसी हद तक ठीक है ना, वो जो मतलब बहुत ज्यादा थ्रिल डाल दिया, हो गया हो गया हो गया। मैं आपको एक मरतबा फिर बताती चलूं कि शहजाद ने वहीद का इंटरव्यू लेते हुए मीडिया को बहुत बुरा भला कहा। हम आपको बताते चलें कि अब से कुछ देर पहले आई एक्सप्लोर में शहजाद अहमद ने इंटरव्यू करते हुए वहीद शेख साहब से जब पूछा तो वहीद शेख साहब ने मीडिया को बहुत बुरा भला बला ये वो बड़ा बला। मैं हम आपको व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन यार, प्लीज आप पाकिस्तान टेलीविजन को देख लीजिए, आप रेडियो पाकिस्तान को देख लीजिए, कितने पीसफुल, बड़े बड़े सारे एंकर यहाँ से निकल के गए हैं, उनको जाके आगे उनकी मस्जिदें बन गई, उनके लिए किस तरह पढ़ना है, ठीक है। मतलब हमारे बेशुमार डीजे जो हैं मियाँ चन्नू के और बकर से, पता नहीं किधर से, मैं बकर बार बार कहता हूँ, मतलब बेल्ट, सराइकी बेल्ट से आए दोस्त और दूसरे बहुत सारे इलाकों से आए हुए दोस्त यहाँ आए, उन्होंने यहाँ आके तालीम भी हासिल की, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी हुई, नौ दे वो बहुत सारे चैनल्स पे काम कर रहे हैं। जब वो रेडियो पाकिस्तान में खबर पढ़ते थे या पाकिस्तान टेलीविजन से खबर पढ़ते थे या हैं, तो वो बड़े पीसफुल होते हैं और बड़े, एक उनके लिखने का अंदाज भी जो उनको मिलता है वो भी बहुत है। इधर सूरत हाल हो जाती है, हो गया हो गया हो गया, लुट गया, मारे गए, ये वो, ये मतलब दैट इज नॉट। आप देखें कितने, मैं बीबीसी देखता हूँ, सच्ची बात है, मैं बीबीसी टेलीविजन खबरें सुनता हूँ या सीएनएन से सुनता हूँ, वो ट्रंप की अगर क्लास भी ले रहे होते हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर कल कह रहे हैं यार मैंने नैब जो है मैंने तो नहीं बनाई, असेंबली में खड़े होकर वो कह रहे हैं कि नैब मैंने तो नहीं बनाई, नैब मेरे से पहले बनी हुई थी, और नैब अगर जो है वो अगर, तो सारा दिन आप मुझे गालियां देते रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर असेंबली में कह रहे हैं कि गालियां आप मुझे देते रहे, मुझसे पहले बनी। अब इस खबर को, इतनी सारी खबर को पूरा जो था कह लीजिए मीडिया ने रात, सारी रात, मैं तो टीवी को म्यूट रखता हूँ, निकल फिर कभी कभी तो वो मेरे बेडरूम में भी है, मुझे डांट पड़ती है कि आपने बेडरूम में टीवी क्यों रखा हुआ है, टीवी लाउंज में आके देखें या ऊपर या नीचे, ठीक है। मैं कहता हूँ यार मैं जाता जागता सोता थोड़ा सा ये वो फला फला, बेगम से बस इजाजत ली, मिल गया छोटा सा एक लगा लिया, तो उस खबर को इतना ट्विस्ट किया गया है, इतना ट्विस्ट किया गया कि कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए उन्होंने, यार दैट वाज अ स्लिप ऑफ टंग, उन्होंने कह दिया कि वो शहीद हो मर गए मारे गए, ठीक है, ओसामा बिन लादन। अब उन्होंने पकड़ा हुआ है इसको कि वो दहशतगर्द को शहीद कह दिया, खुद ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं। ख्वाजा साहब आप बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, आप जमाना साज हैं, आप बहुत दुनिया आपने देखी है, इट वॉज अ स्लिप ऑफ टंग, वो डिक्लेयर्ड तो नहीं कह रहे थे ना शहीद का, और वो मतलब उन्होंने शहीद और मर गए मारे गए दोनों लफ्ज बोले थे, ठीक है। तो मतलब इस तरह की चीजों को, ये इश्यूज नहीं है हमारे मुझे ये इसमें। बताइए,
मुझे शेख साहब जी ये बताइए कि अब थोड़ा सा ना आपकी आपको आवाज आ रही होगी यकीनन, मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि थोड़ा सा आप इसको ना हम लोकल लेवल पे जाते हैं, इस प्रोग्राम के नेक्स्ट स्टेज को पे कन्वर्ट करते हैं। आपको सुनने वाली जो ऑडियंस इस वक्त मेरे साथ है ना, बहुत से लोग, वो इस प्रोग्राम के वसातत से आपका नाम और आपका इंट्रोडक्शन देखने के बाद मेरे से सवाल ये कर रहे हैं कि अगर कोई बंदा ये समझता है, कोई बच्चा या बच्ची जो है वो हमारे इर्द गिर्द, हम वो समझता है कि मेरे अंदर बड़ा टैलेंट है और वो मीडिया के अंदर आना चाहता है, वन सेंटेंस मुझे क्विक बता दें, प्रोसेस क्या करेगा वो, क्या करे तो वो FM 101 में आ जाए, कैसे करे? मैं कहता हूं, उससे पहली बात तो यह है कि मीडिया पे जरूर आना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ती हैं, उसकी बुनियाद को लेके आगे चलते हुए। हमने एक बच्ची ने, हमारी डीजे हैं, हमारे डीजे थी और अभी भी हैं, क्या, सुमेरा कंवल, उन्होंने कहा कि सर मैंने न्यूज़ इंग्लिश की पढ़नी है। मैं उनको लेकर डायरेक्टली न्यूज़ के पास गया। उन्होंने कहा शेख साहब अगर आप अप्रूव करते हैं तो, मैंने कहा नहीं, फिर भी ऑडिशन करें 1 मिनट के लिए, हम स्टूडियो नंबर 7 में गए। उन्होंने साथ में, मेरी प्रोड्यूसर भी थी जो उनकी प्रोड्यूसर, वो साथ में गए, उन्होंने ऑडिशन किया और वो नेशनल बुलेटिन पढ़ रही थी, फिर वो पेशवा हुआ, अभी भी शायद पढ़ रही है, ठीक है, मुझे इतफाक नहीं हुआ सुनने का। सो कहने का मतलब, इसके लिए क्राइटेरिया कि आप, ये विजन होना चाहिए, जमातें, सर्टिफिकेट, ये वो फलाना, एथोदरा जागता हुआ इंसान होना चाहिए। बाकी ये ग्रेजुएट तो होना चाहिए ना भाई, आपको इतना कम से कम तालीम तो होनी चाहिए, और ये वोकल कार्ड्स ठीक होने चाहिए, सेंसिबल बात करनी चाहिए, ठीक है। अगर आप कोई FM इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि म्यूजिक क्या है, आजकल क्या बैंड्स आ रहे हैं, नए गाने, ये वो फला फला फला, और प्लस आपने मोटिवेशनल कैसे बात करनी है, आप तो खुद कोच हैं भाई और शहजाद साहब। और सेकेंडली, अगर आप करंट अफेयर्स में जा रहे हैं तो यू शुड नो अबाउट द करंट अफेयर्स, आपको पता होना चाहिए कि ट्रंप के इलेक्शंस कब हो रहे हैं, या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, या नेशनल असेंबली, या सेनेट में कल कौन सा बिल पास हुआ, ये इतनी छोटी बहुत बातें होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो जागता हुआ इंसान होना चाहिए, आवाज़ अच्छी होनी चाहिए, अगर मेरी तरह की आवाज़ होगी तो फेल हो जाओगे। शेषा, ये तो हो गया ना, बिल्ट इन कैपेसिटी क्या होनी चाहिए आपने बता दी कि इंडिविजुअल के पास क्या कुछ होना चाहिए। ये इंडिविजुअल के पास सब कुछ है सर, सिस्टम के अंदर कैसे एंटर होगा, हाउ टू पुट द फर्स्ट स्टेप इनटू द डोर। तो वो जस्ट ने ईमेल करे उन्हें कि आई वाना बी ए डीजे, आई वाना बी एन एंकर, ठीक है, वो फलाना चैनल, उनको मैडम, डियर मैडम, ये वो, अगर सपोज 101 पे जाना है और 101 इस्लामाबाद में होगा आपने जाना है, ठीक है, अब उनको ईमेल कर दीजिए। आप गूगल पे जाके FM 101 चैनल लिखें, सब नाम, पते, ईमेल सब कुछ आ जाएंगी, ठीक है, नहीं तो आपसे ले लें या मुझसे ले लें, ईमेल करें उन्हें और अपना CV साथ में अटैच करें, ठीक है, या थोड़ा सा वॉइस नोट भी भेज दें, या थोड़ा सा वीडियो क्लिप भेज दें, ठीक है ना, आपने अगर सपोज मेरे जाना है। ख्याल ये बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा जवाब आपने, हाँ ये बहुत, मेरे ख्याल ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा लोगों के लिए। आपने ये जो तरीका, मीडिया के अंदर अगर एक शख्स आता है एज ए शौक, शौक आ जाता है, शौकीन है वो, आ गया शौकिया तौर पे तो इसको लेके चल रहा है, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि मीडिया पे काम करने वाले RJs और DJs जो हैं वो इसको सेकंड हॉबी के तौर पे यूज कर रहे होते हैं। तो व्हाई नॉट टू मीडिया टू टेक एज द प्राइम एम्प्लॉयमेंट सोर्स, एज ए प्राइम एम्प्लॉयमेंट सोर्स मीडिया एक कैसा एम्प्लॉयर है, इसके ये कैसा पे मास्टर है, इसके बारे में हमारी ऑडियंस और व्यूअर्स को थोड़ा सा बताइए सर। देखिए बात यह है कि पिछले दिनों एक डिबेट चल रही थी किसी एक रेडियो इंडस्ट्री में भी। पहली तो बात यह है कि आपको मीडिया जरूर ज्वाइन करना चाहिए, फिर उसमें आगे फ्लोरिश, आप अपने अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग से, अपने टैलेंट से आप आगे जाना चाहिए, स्टक नहीं हो जाना चाहिए, एक जगह रुकना नहीं चाहिए, आगे जाना चाहिए, ठीक है, इब्तदा रेडियो से करें, फिर टेलीविजन चैनल्स पे भी जाएं, सोशल मीडिया पे भी जाएं, अपना बना लें यार, कितनी देर लगती है इसको बनाने में, 5 लाख रुपए दें, मेरे से रब्ता करें, मैं लड़का भेज दूंगा, आपका रेडियो ऑन एयर हो जाएगा, स्ट्रीम डेडिकेटेड रेडियो, आपने काम किया है क्या, वो स्टूडियो FM वर्ल्ड पाकिस्तान का स्टूडियो, इतना खूबसूरत स्टूडियो इस्लामाबाद में देखा आपने? हाँ ना कर दें, खूबसूरत था कि नहीं है? नहीं, बहुत बहुत जबरदस्त, नो प्रॉब्लम, नो डाउट अबाउट इट सर, नो डाउट। सारी 5-1 लाख रुपए में बन जाती है। आपने वेब ऐप बनानी है, आपने वेबसाइट बनानी है, ऐप से पर आपने एक स्ट्रीम लेनी है, 2-4 गैजेट्स रखनी है, ठीक है, लगते तो 50 लाख रुपए भी लग सकता है, लेकिन पांच, मैंने कहा कैंपस रेडियो का एक बना के दिया है 5 लाख रुपए में, ठीक है, उन्होंने कहा कि जी सर आपकी क्या खिदमत होगी, आपके क्या, मैंने कहा मेरा ये शौक है, मैं चाहता हूँ कि आवाज की ये दुनिया जो है ये ज्यादा से ज्यादा, मैं अक्सर आप लोगों को ये कहता हूं कि कायनात का आगाज आवाज से हुआ था,
और कायनात जिंदगी खत्म ही होगी एक आवाज से। तो आवाज जो है एक जिंदगी है, कायनात इख्तिताम पे खत्म होगी, तो ये जिंदगी जो है, ये आवाज जो है एक जिंदगी है। ठीक है, बच्चा पैदा होता है तो रोता है तो नॉर्मल है, अगर डॉक्टर ऐसे करके करती है, उसकी पीठ को थपकाती है ऐसे करके कि कमर पे, अगर वो नहीं रोता तो इसका मतलब है कि उसमें कोई ना कोई डिसेबिलिटी है। तो आवाज़ जो है वो रोती भी है, सोती भी है, गाती भी है, गुनगुनाती भी है, खिनखिनाती भी है, उदास भी होती है। उसने बड़ी रोमांटिक आवाज़ में कहा, शहजाद आई लव यू। शहजाद ने कहा, आई लव यू टू। ठीक है, तो ये इसमें क्या बुरा, तो आवाज़ जिंदगी है कि नहीं है, ये अक्सर ब्रॉडकास्टर्स की। अब तो पहले से ज्यादा खूबसूरत जिंदगी लगने का एहसास हो गया आपकी इस वाक्य मिसाल के साथ साथ। सर आज आज हमारी जब गुफ्तगू शुरू हुई थी वही शेख साहब, तो हमने बात शुरू की कि आपका तारुफ से बात शुरू हुई, जहाँ पे आपने हमें बताया कि आपकी एक अच्छी एजुकेशन के बाद आप कैसे रेंडमली आप गए और विदाउट एनी प्लान, और फिर वहाँ पे सिलेक्शन हुई, देन यू वेंट टू द क्वेटा, देन कमिंग बैक टू अकेडमी, एंड देन स्टार्टिंग योर जर्नी एंड द लॉन्ग वे यू हैड ट्रेवल टू रीच दिस पॉइंट, मार्वलस जर्नी यू हैड, वेयर जहाँ पे प्रोड्यूसर, सीनियर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, 101 को लॉन्च किया, 93-94 को लॉन्च किया, 21 स्टेशन की आपने बात की थी, फिर सूरह कुरान की बात की आपने करंट अफेयर्स के हवाले से, फिर आपने हमें बताया कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेजिडेंट के साथ साथ आप रहते थे और मुख्तलिफ मुल्कों में जाके आपको सर्व करने का भी मौका मिला, और करंटली आपने बताया कि यू आर वर्किंग एज CEO ऑफ FM वर्ल्ड पाकिस्तान, जहाँ पे आपका पैशन है कि बाकी के चैनल्स भी जो है वो ग्रो हों, रेक्ट हों, और आवाज की बात की कि आवाज को स्प्रेड करना जो है वो आपका विजन है। जब हमने बात की कि कन्वेंशनल और डिजिटल की ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से, तो यू ब्यूटिफुली शेयर्ड अस द विजडम, जहाँ पे आपने कहा कि एक कन्वेंशनल था जहाँ पे रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर और फिल्म वगैरह होती थी, थिएटर होता था, और एक ट्रांसफॉर्मेशनल जो अभी करंट डिजिटल है जिसपे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, और फिर इनका जो इमलगेशन है, जो ब्लेंड है, उसको आपने कहा कि ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है। आपने ज़ाहिर भट्टी और पुराने सहाफियों का भी जिक्र किया था, आपने कहा कि पाकिस्तान में वो दौर नहीं रहा जो पहले होता था, और फिर फेक न्यूज़ को स्प्रेड करने के हवाले से आपने कहा कि क्या एटिकेट्स होने चाहिए न्यूज़ की स्प्रेड करने के हवाले से, आपने सिलिकॉन वैली का, इंडिया का, अमेरिका का जिक्र किया। मैं ये तमाम उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिन्होंने अगर लेटली ज्वाइन किया हमारे प्रोग्राम को, तो वो टच अपॉन कर सकें कि इस प्रोग्राम के अंदर कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। हमने पेमरा का जिक्र किया, हमने फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात की, और आखिर में अभी हमने बात की कि अगर कोई नया टैलेंट इधर एंटर होना चाहता है इस इंडस्ट्री में, तो इसका क्या स्कोप है और किस तरह से, कौन से तरीका कार को, कौन से जर्नी स्टेप्स को वो फुलफिल करके इस इंडस्ट्री के अंदर एंटर हो सकता है। विद दिस, जहां पे मैं आपसे क्लोजिंग रिमार्क्स की रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहता हूँ शेख साहब। आपने अपनी गुफ्तगू के दौरान कहा कि अब पाकिस्तान के अंदर मीडिया का वो दौर नहीं रहा जो पुराने सहाफियों के जमाने में आपने एंजॉय किया, आपने देखा, आपने उसको एस्टेब्लिश किया। मैं आप जैसे सीनियर मोस्ट जो लोग हैं इस इंडस्ट्री के, टॉप लोग हैं, मैं उनसे एक हम्बल क्वेश्चन करना चाहता हूँ सर। मैं एम्बेसडर हूँ अपनी ऑडियंस का, मैं उनकी जुबान में आपको ये शिकवा करना चाहता हूँ कि अगर आप जैसे सीनियर लोग हम जैसे नौजवानों को एक अच्छा माजी नहीं दे सकेंगे, तो हम कैसे अच्छा फ्यूचर क्राफ्ट कर सकते हैं सर? अगर आप जैसे सीनियर लोग आज मुझे ये कहना शुरू कर दें कि यार अब पाकिस्तान में वो दौर नहीं रहा जो भट्टी साहब के जमाने में होता था, तो मेरा दिल तो सर काम से वैसे ही उचाट हो जाएगा ना, मैं तो वैसे ही डिमोटिवेट हो जाऊंगा। मुझे ये बताइए कि आपका क्या रोल रहा है सर, आप और आप जैसे जो सीनियर लोग हैं, आज आप जिस मुकाम पे बैठे हुए हैं, आज आप इस इंडस्ट्री के पुराने वक्त को रिवाइव करने के लिए क्या एक्शन स्टेप्स ले रहे हैं, वो हमारे ऑडियंस को बता दें सर। देखिए, बात यह है कि मैं कभी ये नहीं, मैंने तो आप अपनी गुफ्तगू में ये कहा है कि ये जो कहते हैं ना कि यार हमारे दौर में ये होता था वो होता था, वो बातें खत्म हो गई। अब आप उन चीज़ों को, उनकी रवायत को लेके आते जाइए, और उन रवायत को आहिस्ता आहिस्ता, एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि जी ब्लेंड नहीं होनी चाहिए, वो रवायत को खराब ना कीजिए। मैं कहता हूँ देखें, इट इज जस्ट लाइक, आपका भी मुजफ्फराबाद आपको यकीन जाने का इतफाक होगा, दो दरिया आते हैं, एक नीलम एक जनाब, एक का पानी जरा नीला होता है, एक गधला होता है, दोनों दो मेल पे आके मिलते हैं, ऐसा स्मूथली आहिस्ता 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 वो आगे चले जाते हैं, फिर एक दरिया बन जाता है। इसी तरीके से पुराने सीनियर लोग, अव्वल तो वो बहुत तेजी से जा रहे हैं, अल्लाह को प्यारे हो रहे हैं, लेकिन अगर कोई रवायात छोड़ के जा रहे हैं, आपका कॉन्टेक्ट रहेगा, आपकी बातें रहेंगी, उनको उनके साथ ब्लेंड करें। और ये जो जनरेशन है ना,
जो आपने आप जो अपने आपने अपने अपने आप को नौजवान कहा है, तो ये जो है ये एक्सेप्ट करें मेरे जैसी जनरेशन को, ठीक है, नौजवान एक्सेप्ट करें, और जो जो बूढ़े हैं या बुजुर्ग हैं या सीनियर सिटीजन या सीनियर है, जो भी लफ्ज़ कह लें, अव्वल तो कोई सीनियर सिटीजन होते ही कोई नहीं है, सीनियर सीनियर ही होता है, जूनियर जूनियर ही होता है, ठीक है। तो मकसद कहने का ये है कि वो दे शुड एक्सेप्ट द जूनियर्स, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए उनकी बातों को। अगर उसने टाई लगा ली है और उसने, मैं फिर अमेरिका की बात आ जाती है कि मैं स्टोर पे था तो एक लड़का आया, उसने आगे की शर्ट ली और पता नहीं $16 दिए, और उसके बाद उस शर्ट को उल्टा करके पहन लिया। मैं उसके साथ खड़ा हुआ था, मैंने भी पे किया, मैं बाहर निकला, तो मैंने कहा कि जिस शर्ट मैंने भला करते हुए देसी गया हुआ था ना अमरीका, मैंने ऐसे कहा कि शर्ट आपने उल्टी पहनी है, व्हाट द हेल इज वर्क, नम 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 नम, ठीक है, आप बात समझे मेरी। वो चार गालियां उसने मुझे दी कि तू कौन मामला लगने वाला, मुझे ये कहने वाला उल्टी पहनने की, वो फैशन था मुझे पता नहीं था, वो मुझे वो नाइकी की शर्ट का वो ऐसे उल्टा पहनने से उसको ऐसे वाला निशान जो था वो ऐसे हो जाता था, या जेब इधर आ जाती थी, यही कुछ, दैट वाज ए फैशन, उन दिनों का स्टाइल था, बाबे को पता ही नहीं था, ठीक है। तो उसको कहने का मकसद ये है कि आप उनको एक्सेप्ट करे हो, मुझे चाहिए था अगर थोड़ी सी अवेयरनेस होती, मैं कहता और लुकिंग नाइस वंडरफुल, वो कहता हाँ वेल डन बड़े, ठीक है। पर दूसरा यह है कि इंटरनेशनलिस्ट होना बहुत जरूरी है, हमें चाहिए मौका मिले, अब तो कोरोना कोरोना हो रहा है, अल्लाह ताला खैर खैरियत करे, हमें घूमना चाहिए, पहले तो अपने मुल्क को देखिए, क्योंकि ट्रेवलिंग जो है वो एजुकेशन है, फिर मुल्कों मुल्कों जाइए, कल्चर्स देखिए, फिर एक्सेप्ट कीजिए। मीडिया जो है ना वो उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे खाने पीने पीने उठने बैठे सारी चीज़ों में, तो हमें मीडिया को एक्सेप्ट करना चाहिए। नेगेटिव चीज़ें होती हैं, हर एक में होती हैं, इतनी भी नहीं है, लेकिन यह है कि मीडिया इज डूइंग एक्सीलेंट। जी प्लीज। एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट नोट टू क्लोज अप। इख्तितामी गुफ्तगू में ये बताया कि जो सीनियर सीनियर लोग हैं उनको सीनियर एक्सेप्ट करना है, आपने कहा कि ट्रेवलिंग जो है वो एजुकेशन का दूसरा नाम है, और मैं लोगों से ये जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा कि जैसे शेख साहब ने कहा कि इस कायनात का आगाज जो है वो भी आवाज़ से हुआ था और इख्तिताम भी आवाज़ से होता है होगा, और इसीलिए इस आवाज़ की जो अहमियत है उसी का प्रचार जो है वो शेख साहब किए जा रहे हैं। मेरी जितनी इंटरेक्शन शेख साहब के साथ रही है, जस्ट टू क्लोज द प्रोग्राम आई मस्ट शेयर माय ओन थॉट्स अबाउट अब्दुल वही शेख साहब। इफ एनीबॉडी ऑफ अस लिसनिंग टुडे, इफ ही वांट्स टू फाइंड सम पर्सन इन द मीडिया हु मस्ट बी अ डायनामिक पर्सन, प्रोग्रेसिव वन, who can work like a mentor to you as an elder brother, who has a giving intent, जो देने की नीयत से काम कर रहे हैं, बेलॉस खिदमत करना चाहते हैं, if you people are in hunt of such personality, अगर आप ऐसा शख्स ढूंढ रहे हैं जो मीडिया के अंदर आपकी हैंड होल्डिंग कर सके, आपको आगे लेकर चल सके। जी क्या कह रहे हैं सर? दोबारा बोलिए शेख साहब, आप क्या कह रहे हैं? आज हमने जब प्रोग्राम शुरू किया था तो अब्दुल वहीद शेख साहब हमारे साथ थे। अब्दुल वहीद शेख साहब जो हैं वो रेडियो पाकिस्तान के रूह रवान रह चुके हैं। रेडियो पाकिस्तान के अलावा इन्होंने चैनल 101 लॉन्च किया, इसके अलावा 21 स्टेशन लॉन्च किए, 94 चैनल, कुरान मजीद के हवाले से एक चैनल को लॉन्च, और बहुत से प्रोग्राम्स के लॉन्च के दौरान ये रहे। शेख साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही? जी मैं आप सुन रहा हूँ, बस मेरे ख्याल में अभी आप हमें इजाजत मुझे लेनी चाहिए आपसे, क्योंकि व्हाट डू यू थिंक, वैसे आपको भी मैं आखिरी कलमात ही अदा कर रहा हूँ सर, मैं आखिरी आखिरी दो जुमले आपके बारे में बोल रहा हूँ कि अगर मीडिया के अंदर कोई नया टैलेंट आकर शेख साहब से बात करना चाहे तो वो इस बात की तसल्ली रख सकता है कि चार चीजें उसको मिलेंगी, एक डायनामिज्म मिलेगा, एक प्रोग्रेशन मिलेगा, एक गिविंग इंटेंट मिलेगी, और एक ट्रू मेंटोर मिलेगा जो कि मास्टर ऑफ द ट्रेड है। विद दिस आई वुड थैंक्स थैंक अ लॉट वंस अगेन अब्दुल वहीद शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके विजडम शेयरिंग का। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, अपने बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहरहाल जितने भी ऑडियंस हैं, नौजवान हैं, जो भी जिस एज ग्रुप में भी हैं, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क, बस ये है, आप काम करते जाएं, इंशाल्लाह रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह थैंक हाफिज। यू सर, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।